नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख। बिहार में फर्जी दस्तावेज पर सरकारी नौकरी लेने वालों पर कसेगा शिकंजा। ऑनलाइन सेवा के लिए विद्यार्थियों को अब नहीं पड़ेगा भटकना। आयकर रिटर्न दाखिल के समय सीमा बढ़ाने पर नहीं हो रहा विचार। दूसरे टेस्ट में विराट कोहली के नाम जुड़ेगी खास उपलब्धि। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख। मुख्यमंत्री, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा पीटी परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की ओर से 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज यानी कि 17 जुलाई 2023 तक है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है, वह https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/citizenhome.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से कुछ अर्हता एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसके तहत आवेदन करने वाला अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी और साथ ही बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए। बता दें कि इस योजना का लाभ किसी भी अभ्यर्थी को केवल एक बार मिलेगा। वहीं इस योजना का लाभ अभ्यर्थी को नहीं दिया जाएगा जो पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम, राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी हो। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुशील राजपाल के बारे में। सुशील राजपाल एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है। यह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र हैं और अपने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म एंटर्ड वन के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध है। वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र हैं और अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म अंतर्द्वंद के लिए निर्देशन के लिए प्रसिद्ध है। वह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म अंतर्द्वंद के निर्देशक हैं, जिसमें लगभग पूरी कास्ट बिहार से थी और वह भी बिहार के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर फिल्म दीक्षा से की थी। सुशील राजपाल, जिनके निर्देशन में बनी पहली सच्ची फिल्म अंतर्द्वंद को इंडस्ट्री से 95% अच्छी समीक्षाएं और प्रशंसाएं मिली, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। अंतर्द्वंद 2010 की एक भारतीय फिल्म है जो सुशील राजपाल द्वारा सहलिखित, निर्मित और निर्देशित है। इस फिल्म में 2009 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। नए आधार कार्ड के बनने से पहले इससे जुड़े दस्तावेजों के होंगे जांच। आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल राज्य सरकार अब नए आधार कार्ड बनने से पहले इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। इसका सत्यापन स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से होगा। बता दें कि राज्य सरकार का यह पोर्टल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा। 1.5 महीने की अधिकतम समय सीमा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तय की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नए आधार पंजीकरण में किसी तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर यह व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री, ग्राम संपर्क योजना के तहत इन जिलों की चमकेगी सड़कें। राज्य सरकार 1,255 करोड़ और 77 लाख रुपए बिहार के 17 जिलों की 50 से अधिक ग्रामीण सड़कों पर खर्च करने वाली है। यह इसलिए किया जा रहा ताकि गांव में रहने वाले लोगों को कहीं भी आवाजाही सुगम हो सके। बता दें कि यह राशि उन कार्य प्रमंडलों को सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई है, जहां प्रशासनिक स्वीकृति के बाद गांव में मौजूद इन सड़कों का या तो निर्माण चल रहा है या फिर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ऐसा कहा गया है कि यह जो राशि मिली है, इस राशि से सड़कों को नवनिर्माण, मरम्मत या चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। बता दें कि जिन जिलों में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत इन कामों के लिए राशि आवंटित किए गए हैं, उनमें पटना, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, कटिहार, मधेपुरा, सिवान, कैमूर, भागलपुर, लखीसराय, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और पूर्वी चंपारण शामिल है। बिहार में फर्जी दस्तावेज पर सरकारी नौकरी लेने वालों पर कसेगा शिकंजा। बिहार में फर्जी दस्तावेज पर सरकारी नौकरी लेने वाले लोगों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हर विभाग में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 70 दोषियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज पर सरकारी नौकरी पाई थी। वहीं वैसे अधिकारी जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वह नौकरी फर्जी दस्तावेज पर पाई थी, उनके पेंशन को रोक दिया जाएगा। वहीं जिनका निधन हो चुका है, उनके फैमिली पेंशन को रोका जाएगा। मालूम हो कि इन सब के बीच सरकार की ओर से फर्जी शिक्षकों पर भी नकेल कसा जा रहा, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी पाई थी। ऐसे में समस्तीपुर में 91 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ निगरानी विभाग के द्वारा अब तक विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। रांची से लाई जा रही शराब की खेप बरामद।
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। शराब तस्करों के द्वारा आए दिन नए नए तरीके से शराब तस्करी को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा रांची से ट्रक में सैनिटरी पैड के बीच छिपाकर लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। मालूम हो कि बरामद किए गए सभी शराब महंगे ब्रांड और झारखंड निर्मित है। विभाग की टीम के द्वारा कार्टन से 4433 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है और साथ ही दो तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चालक श्यामलाल और खलासी भूमाराम के रूप में की गई है। फिलहाल टीम के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ शामिल है। पीएम किसान के लाभार्थियों के खाते में इस दिन आएगी 14वीं किस्त के पैसे। बहुत जल्दी पीएम किसान के लाभार्थियों के खाते में 14वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं। बता दें कि अगर सरकारी साइट की माने तो पीएम किसान के लाभार्थियों के खाते में 14वीं किस्त के पैसे 28 जुलाई को आ सकते हैं। मालूम हो कि साइट के अनुसार 28 जुलाई को देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए आने वाले हैं। पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीडी के जरिए 18000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है जानकारी। पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को लेकर नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा सांसद चिराग पासवान को एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। दरअसल चिराग पासवान की ओर से भेजे गए पत्र के उत्तर में नागरिक विमानन मंत्री के द्वारा लिखा गया कि पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण जल्द ही पूरा कराया जाएगा। इसके डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि अपडेट के बाद लोगों को एयरपोर्ट की सुविधा जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं मंत्री के द्वारा उत्तर में यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें नए सिविल टर्मिनल के लिए 52.18 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर दी जा चुकी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट से एनएच तक 4 लेन सड़क निर्माण का काम भी राज्य सरकार करने जा रही है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे को पीएम पैकेज बिहार 2015 में शामिल किया गया है तथा इसके लिए 150 करोड़ रुपए भी राशि आवंटित की गई है। आधार को राशन कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी। देश में राशन कार्ड को लेकर हो रहे फ्रॉड और गरीब लोगों की पहचान करके उन तक राशन को पहुंचाया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्होंने अब तक अपना राशन कार्ड अपने आधार कार्ड के नंबर से नहीं जोड़ा है तो यह खबर आपके लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार की ओर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले यह तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है। ऐसे में राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए आप अपने नजदीक के राशन ऑफिस जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन तरीके से भी इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। भागलपुर पटना के रास्ते कोलकाता तक शुरू होगा स्टीमर से गंगा विहार। स्टीमर से गंगा विहार के सपना पटना से भागलपुर के रास्ते कोलकाता तक जल्द ही पर्यटकों के लिए साकार होने वाला है। बता दें कि टर्मिनल निर्माण के लिए गंगा में जल परिवहन को लेकर जमीन मिल चुकी है। पैसेंजर और कार्गो जहाज का डेक तैयार करने के लिए आरओ टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को जिला प्रशासन द्वारा जमीन का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही निगम के प्रबंधक निदेशक को अपर समाहर्ता ने अनापत्ति प्रमाण पत्र भेज दिया है। बताते चले कि जहाज के जरिए पटना भागलपुर कोलकाता के बीच यह परिचालन की पहल पूरे 40 वर्षों बाद हुई है। ट्रेन के जरिए भी कर सकेंगे नेपाल की यात्रा। जयनगर से बर्दीवास रेलखंड पर ट्रेन परिचालन के दूसरे फेज में भारत नेपाल मैत्री रेल सेवा के तहत बीते ही दिनों बिजलपुर तक रेल का परिचालन शुरू हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल प्रशासन की तरफ से इसकी पुख्ता तैयारी की गई थी। हालांकि 17 जुलाई यानी आज से ट्रेन जनता के लिए भी शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे बिजलपुर स्टेशन से इसका उद्घाटन हुआ। यदि ट्रेन के समय सारणी की बात करें तो यह ट्रेन 16 जुलाई को बिजलपुर से जनकपुर धाम रेल परिचालन हो चुका है और अब आज सुबह से 7:30 बजे नेपाली समय पर पहली ट्रेन जयनगर से खुलेगी, जो सुबह 8:35 पर जनकपुर और 10 बजे जयनगर पहुंचेगी। बता दें कि यह जानकारी नेपाली रेलवे के जीएम निरंजन झा के तरफ से मिली है। ऑनलाइन सेवा के लिए विद्यार्थियों को अब नहीं पड़ेगा भटकना। आने वाले समय में बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन सेवा जैसे ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, माइग्रेशन व प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जैसे कामों के लिए भटकने या कहीं कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह काम छात्र अपने कॉलेज कैंपस में ही आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा यूनिवर्सिटीज व कॉलेजों में भी कॉलेज सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को इसका प्रस्ताव सौंपा जा चुका है। जैसे ही राज्य सरकार इसकी अनुमति दे देगी, छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य के इन भागों में हो सकती है बारिश।
बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही। ऐसे में प्रदेश के जिन जिलों में बारिश हो रही है उन जिलों के लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बता दें कि IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 17 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं IMD बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता व पूर्व MLC विनोद चौधरी के निधन पर CM नीतीश ने व्यक्त की शोक संवेदना। पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और जदयू से MLC रह चुके विनोद कुमार चौधरी का बीते दिन 68 साल के उम्र में निधन हो गया। बता दें कि पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि वह एक कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने उनकी धर्मपत्नी और उनके भाई एवं जदयू विधायक श्री विनय कुमार चौधरी से फोन पर बातचीत कर उन्हें सांत्वना भी प्रदान की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। VTR के नजदीकी गांव से 14 फीट लंबा कोबरा हुआ रेस्क्यू। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर रिजर्व के पास ही मौजूद गांव जो कि लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के अंतर्गत आता है, वहां चंपा माई स्थान के पास वहां एक विशालकाय कोबरा देखा गया। जब यह कोबरा लोगों के नजर में आया तो लोग भयभीत हो गए। हालांकि इसे लेकर उन्होंने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। वन विभाग कर्मियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली वैसे ही उन्होंने बड़े ही मशक्कत से इस जहरीले कोबरा का रेस्क्यू किया। कोबरा का वजन काफी अधिक होने के कारण रेस्क्यू टीम को बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें पूरे 2 घंटे के मेहनत के बाद सांप को रेस्क्यू हो सका, जिसका रेस्क्यू वन कर्मी शंकर यादव और मुद्रिका यादव द्वारा किया गया। आयकर रिटर्न दाखिल के समय सीमा बढ़ाने पर नहीं हो रहा विचार। संजय मल्होत्रा जो कि राजस्व सचिव हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न दाखिला करने की 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा, इसलिए आयकर दाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए। आगे उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक रिटर्न दाखिल होंगे। हमें उम्मीद है कि पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। बता दें कि बीते वर्ष लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे। साथ ही उन्होंने आयकर रिटर्न करने वालों को धन्यवाद भी दिया क्योंकि ITR दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में अधिक है। बीजेपी नेता विजय सिंह के परिजनों को पार्टी नेताओं ने दिया 15 लाख का चेक। बीते 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में किए गए विधानसभा प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई थी। ऐसे में बीते दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा उनके गाँव कल्पा में जाकर परिजनों से भेंट करते हुए 15 लाख रुपए का चेक दिया गया। वही इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कहा गया कि हमारी पार्टी में पूरे कार्यकर्ता एक परिवार की तरह होते हैं और हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं। उनका जो रक्त बहा वह बेकार नहीं जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। लालू से लड़ना है और लालू यादव से लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई साथ नहीं है। आज बेंगलुरु में जुड़ेंगे गैर बीजेपी दिग्गज। 17 और 18 जुलाई को आयोजित होने वाले विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गैर भाजपा दलों के शीर्ष नेताओं का आज जुटान होने वाला है, जहां वे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारे जाने का संकल्प लेंगे। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज विशेष विमान से बेंगलुरु जाने वाले हैं। मालूम हो कि इन सभी नेताओं समेत अन्य गैर भाजपा दलों के शीर्ष नेताओं को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए आधिकारिक न्योता भी भेजा गया था। इस बैठक में करीब 2 दर्जन दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। बता दें कि यह बैठक बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में आयोजित किया जाएगा। 18 जुलाई को भाजपा की बैठक पर KC त्यागी का बयान। 18 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी के द्वारा NDA की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें उन सभी पार्टियों को बुलाया गया है जो NDA में शामिल हैं या शामिल हो सकते हैं। इस बैठक को लेकर अब जदयू के वरिष्ठ नेता KC त्यागी के द्वारा अपने बयान देते हुए कहा गया कि 18 जुलाई को होने वाली NDA की बैठक में कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा, उसमें यहां से छिटके हुए लोगों को लेकर शामिल किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि पटना में 23 जून की सफल बैठक के बाद उसके विस्तारित रूप में यह बेंगलुरु की बैठक है, जिसमें भविष्य के एक कार्यक्रम रणनीति बनाने का मौका मिलेगा।
एनडीए की बैठक को लेकर 19 पार्टियों को भेजा गया न्योता। 18 जुलाई यानी कि कल एनडीए अपने 25 साल पूरे होने की खुशी में सिल्वर जुबली मनाने वाली है और इसके साथ ही नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की एक बैठक भी आयोजित की जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए अब तक 19 दलों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। बता दें, जिन लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है उनमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, संजय निषाद की निर्बल इंडियन, सोसित हमारा अपना दल निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेला, जेजेपी, जनसेना, एआईएम, डीएमके, तमिल मनीला, कांग्रेस इंडिया, मक्कल कलवी, मुनेत्र कड़गम, आजसू, एनसीपी, कॉनरोड संगमा, एनडीपीपी, एसकेएफ, मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के नाम शामिल हैं। दूसरे टेस्ट में विराट कोहली के नाम जुड़ेगी खास उपलब्धि। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है। दरअसल विराट कोहली पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर अपना 500वां इंटरनेशनल मुकाबला खेलने वाले हैं, जिसके बाद विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। बता दें कि उनसे पहले यह उपलब्धि सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और राहुल द्रविड़ हासिल कर चुके हैं। वहीं अगर हम दुनिया की बात करें तो विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के मात्र 10वें खिलाड़ी होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम वर्ष 2008 में रखा था, जिसमें उन्होंने 110 टेस्ट, 274 वनडे और 115 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान विराट कोहली के द्वारा अब तक 75 शतक लगाया जा चुका है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। निजाम खान को 17 जुलाई 1489 में सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। भारतीय यात्री जहाज 1947 में रामदास मुंबई के पास तूफान में फंसकर डूब गया, 625 लोगों की मौत हो गई। देश में महिलाओं को 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवाओं में पात्र घोषित किया गया। पठानकोट में 1950 को भारत का पहला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का जन्म 1923 में हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्म 1959 में हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेता रवि किशन शुक्ला का जन्म 1971 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो का जन्म 1943 में हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर जनरल की गृह विभाग की समिति के सदस्य अलेक्जेंडर मडीमैन का निधन 17 जुलाई 1928 को हुआ था। गुजरात के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता इंदुलाल याज्ञिक का निधन 17 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का निधन 1992 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर आईजी पटेल का निधन 2005 को हुआ था। वायरल में आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने नागरिकों को कुछ दिनों के लिए कोल्ड ड्रिंक से परहेज करने की सलाह दी है क्योंकि वे इबोला वायरस से दूषित है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज फर्जी है, MOHFW इंडिया ने ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की है। गूगल मैप से ऐसे हटाएं अपना पर्सनल डाटा। कई बार हम अपनी निजी जानकारी गूगल मैप पर डाल देते हैं या फिर कोई और अपलोड कर देता है जिसमें घर का पता, लाइसेंस प्लेट और अन्य पहचान योग्य विवरणों जैसी व्यक्तिगत जानकारी होती है, जिसे सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी भी कोई निजी जानकारी गूगल मैप पर है तो आप उसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हटा सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल मैप ओपन कर साइन इन कर ले। इसके बाद सर्च बार में अपना पता या अपने घर का अनुमानित स्थान टाइप करें। अपने निवास का स्थान सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए मैप पर जूम इन करें। अगले स्टेप में मैप पर अपने घर के स्थान पर राइट क्लिक करें। विकल्पों के साथ एक छोटा मैसेज बॉक्स दिखाई देगा, समस्या की रिपोर्ट करें चुने। इसके बाद गूगल आपके पास गूगल मैप्स रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट स्ट्रीट व्यू नामक एक नया पृष्ठ प्रस्तुत करेगा। माई होम विकल्प ढूंढे और उस पर क्लिक करें, जो विशेष रूप से आवासीय संपत्तियों को धुंधला करने के लिए है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। गूगल आपके घर की सड़क दृश्य इमेज प्रदर्शित करेगा। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे घर या केवल उन हिस्सों को कवर करने के लिए दिए गए लाल बॉक्स को खींचे और समायोजित करें जिन्हें आप धुंधला करना चाहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में अपने घर को धुंधला करने का कारण संक्षेप में बताएं। यदि आपकी कोई विशिष्ट चिंता या निर्देश है तो उन्हें उचित फील्ड में शामिल करें और सबमिट पर क्लिक करें। राज्य के लगभग आधा दर्जन जिलों में सड़कों की मिलेगी अच्छी कनेक्टिविटी। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 110.55 किलोमीटर लंबाई में 4 सड़कों की चौड़ाई राज्य के करीब आधा दर्जन जिलों में बढ़ाने का निर्णय किया गया है। बताते चले, इनमें बिहार के दरभंगा, भोजपुर, सारण, गया, नवादा, रोहतास और कैमूर जिले शामिल है। मालूम हो कि सभी सड़कों को बनाने की स्वीकृति पथ निर्माण विभाग द्वारा दे दी गई है। इन सड़कों को योजना के तहत चौड़ा करने का अनुमानित लागत 464.58 करोड़ रुपए आने हैं। उम्मीद जताई गई है कि यह सड़क वर्ष 2024 तक बन जाएगा। बता दें कि पथ प्रमंडल दरभंगा में
बेगूसराय मुड़िया रईमान सड़क को लगभग 43 करोड़ 90 लाख व 39,000 रुपए की लागत से 12.80 किलोमीटर लंबाई में बनाने की मंजूरी दी गई है। वहीं भोजपुर तथा सारण जिले में सड़क बनने से लोगों को सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इनके अलावा नवादा तथा झारखंड के तरफ आने जाने की सुविधा पहले से अधिक हो जाएगी। साथ ही रोहतास और कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क बनाने की बात कही गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, रुपेश कुमार, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, अहमद मोहम्मद अफजल मंसूरी, तबरेज आलम, नंदनी मोहम्मद, साकिर हुसैन, कुश कुमार यादव, लक्ष्मी मेहता, मोहम्मद साकिर हुसैन, हरदेव कुमार, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, तेज बारिश और वज्रपात के दौरान आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।